हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बात के साथ आज एक बहुत सी छोटा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो है ट्रांसक्रिप्शन कपलिंग। ओके, सो पहली बात जो है वो है कि अगर आपने लैक्टोज ओपेरॉन का वीडियो एंड हमारा जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का वीडियो है वो देख लिया है, तभी आप इस वीडियो पे आए। ये इस वीडियो का प्री रिक्विजिट्स है। ओके, बात क्या है? बात है कि आपने सुना होगा कि प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए होता है वो मल्टीसिस्टोनिक होता है। मल्टीसिस्टोनिक मतलब एक एमआरएनए से हमें कई सारे प्रोटीन मिलता है। अब मेरा मन का एक क्वेश्चन है कि ओके, मान लिया एक एमआरएनए से बहुत सारा प्रोटीन्स आता है। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज जब आरएनए बनाएगा एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेशन के समय जब टीआरएनए ये जो एमआरएनए तैयार हुआ है उसको पढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हम जानते हैं कि लैगजेट से बीटा गैल आता है। सो लैगजेट के स्टार्टिंग में ज़रूर ज़रूर जब वो एमआरएनए पे रहेगा, एमआरएनए सिचुएशन पे, तब यहाँ पर एयूजी कोडोन का रहना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, राइट? एंड दैट इज़ वाई बीटा गैल का सिंथेसिस हुआ, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इनिशिएटर जो कोडोन होता है वो एयूजी होता है, राइट? सो इनिशिएशन जब हुआ है तब ये बात तो सही है कि एयूजी रहा होगा, राइट? सिमिलरली लैगजेट का सिंथेसिस तो यहाँ पर बंद हो जाएगा एंड यहाँ से लैकवाई का स्टार्टिंग होगा, राइट? सो अगर ये बात है सो लैगजेट से क्या आएगा? लैगजेट का एंड में एक ज़रूर ज़रूर एक टर्मिनेशन कोडोन रहेगा, ए उगा हो सकता है, उआ हो सकता है, उआग हो सकता है, आप तो जानते होंगे UGA, UAA, UAG, इसमें से कोई एक रहेगा ना। सिमिलरली लैक वाई के स्टार्टिंग में भी कोई ना कोई AUG रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर से हमारा पार्मियस का प्रोडक्शन होगा, राइट? सिमिलरली लैक वाई के एंड में भी एक UGA, UAA, UAG होगा, राइट? सो यहाँ पर एक बात आता है, सो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए में ये चीज़ क्या सेपरेटली रहता है? मतलब AUG एक सेपरेट थिंग एंड UGA और UGG एंड UAG एक सेपरेट थिंग, ऐसा कुछ? सो बात है कि चार बेस आपस में कैन एक्ट एज बोथ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एंड टर्मिनेशन साइट। ओके, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट एंड ट्रांसलेशन एंडिंग साइट और ट्रांसलेशन स्टॉप साइट। कैसे? AUGA और AUGA ये चार जो बेस है आपस में ट्रांसलेशन स्टार्ट साइड एज वेल एज ट्रांसलेशन स्टॉप साइड की तरह काम कर सकता है। कैसे? जब ब्लैक जेट में AUG रहेगा तब TRNA जो है पहले इस चीज़ को कंसीडर करेगा, AUG को। ओके, AUG को एज ए स्टार्ट पॉइंट कंसीडर करेगा एंड मिथियोनिन जो इनफॉर्माइल मिथियोनिन होगा उसको रख के चला जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली TRNA को जब काम को ख़त्म करना है तब वो इस ए को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, UGA को रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, एंड UGA को रिकॉग्नाइज करेगा एज ए स्टॉप कोडोन। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा? ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कपलिंग, जहाँ पर AUGA आपस में एक साथ बोथ ट्रांसलेशन स्टार्टिंग एंड ट्रांसलेशन स्टॉपिंग का काम करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।